बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीते 14 दिसंबर की रात को राह चलते शख्स का कंधा टकराने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे अमरदीप हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भले इस मामले को सुलझा लिया हो, लेकिन लोगों में इस हत्याकांड को लेकर आक्रोश अभी भी बरकरार है। वारदात के 2 महीने बाद एक बार फिर से ये मामला गर्म आ गया और लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। शायद इसी का परिणाम है कि रविवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अमरदीप को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अमरदीप के परिजनों के साथ मंगोलपुरी की विभिन्न गलियों में जस्टिस फॉर अमरदीप के स्लोगन के साथ पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अमरदीप के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमरदीप एक होनहार लड़का था और वे IAS की तैयारी भी कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वारदात के बाद भी इलाके में पुलिस प्रशासन इस तरह की वारदात पर लगाम लगाने में नाकामी साबित रहा है। गौरतलब है कि बीते 14 दिसंबर की रात को अमरदीप और उसके दोस्त सागर का मंगोलपुरी में महज कंधा टकराने से कहासुनी में अमरदीप और सागर पर चाकू से वार कर दिया था, जिसमें अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी। अमरदीप का मैं भाई हूँ, मैं वो लड़का एक आम आदमी लड़का नहीं है, UPSC एस्पिरेंट IAS की तैयारी कर रहा था। उसके अलावा वो 20 साल की उम्र में 200 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, कम से कम 200 स्टूडेंट SSC CGL की तैयारी करवा रहा था, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखा था। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के जो MLA है, प्रतिनिधि आम आदमी की, केजरीवाल है, जब कोई दूसरे कास्ट के साथ कुछ हो जाए, हाथरस कितना दूर है, पूरे सारे के सारे प्रतिनिधि जाके मरने के लिए मर गए थे वहाँ पे, हमारे 5 मिनट की दूरी पे इनके घर में, यहाँ पर नहीं आ रहे। और एक मर्डर नहीं, 2 मर्डर नहीं, पूरे 4 मर्डर हुए हैं। एक लड़का इनका बेटे को मार दिया, सुल्तानपुरी की लाश मिली, इनके बेटे को हत्या हुई है, जिसमें 5-6-7 लोग थे, जो पकड़ के ले गया है अपराधी, वो अभी पकड़ा नहीं गया। अभी तीन गो के पकड़ा है, 2 गो अभी फरार है, वो 2 के भी पकड़ा जाए और 5 के फांसी दे। मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। अमरदीप की निर्मम हत्या हुई है मंगोलपुरी में। वह एक उभरता हुआ शिक्षक था, जो कि एक IAS बनने का उसका सपना था। हमारे यहाँ से वो पढ़ा और एक टीचर का सपना लेकर उसने आगे IAS बनने का सपना देखा। कुछ ही सालों में शायद उसका परिवार आज फलता फूलता विकास करता, लेकिन इस मंगोलपुरी ने यहाँ पर उसकी हत्या करवा दी। यहाँ पर हर रोज क्राइम हो रहे हैं। इस क्राइम का जिम्मेदार मैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सरकारी प्रशासन को भी देती हूँ, क्योंकि उसकी ढील के उस चलते यहाँ पर लगातार हत्याएं होती जा रही है। ये सिर्फ अमरदीप नहीं है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़का हर एक घर का चिराग उठ जाता है, उसके कमाने का इकलौता सहारा चला जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के दिल्ली प्रशासन यहाँ पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। लोग पीड़ित परिवार है वो सेटिस्फाई नहीं है। इनका मानना है कि 5 लोग इसमें लिप्त थे, जो 302 लगे हैं, सिर्फ 3 लोगों पे लगाए गए, 2 लोग अभी फरार हैं। हालांकि जो CCTV कैमरे में जिस तरह से बता रहे हैं कि उसमें 2 लोग और सामने, उनका मुकदमा नहीं लगाए। और लगातार मंगोलपुरी में आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए वारदात के कुछ दिनों बाद ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बावजूद इसके इस मामले में लोगों के अंदर अभी भी आक्रोश बरकरार है और इसी आक्रोश को जाहिर करते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी कर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।